पांडवानी यानी पांडवों की कहानी, महाभारत के अलग अलग अध्यायों को संगीत में कहने की विधा, महाभारत की कहानियों को ऐसे ही युगों से श्रुतियों में याद रखा गया है। पांडवानी की तलाश में हम आप पहुँचे हैं पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई के पास। और कैसे मोर पैर के नीचे बैठे हैं? तो अर्जुन कृष्ण लगते कन्हैया। पांडवानी के दो अलग अलग शैलियां हैं, वेदामती और कपालिक। इनमें से कपालिक एक पारंपरिक शैली है और तीजन बाई को इसमें महारत हासिल है। जय हो या देवी तो जय हो वे वाले द्रौपदी जद गया दर्द में ते आवे हवा वाले। कांकेर छत्तीसगढ़ का एक नक्सलाइट इलाका है। यहाँ की मिट्टी पर सूरज का आक्रोश नजर आता है। और यहाँ जिंदगी हर सुख सुविधाओं से कोसों दूर है, लेकिन फिर भी आंखों में ख्वाब पनपते हैं जरूर। मोनिका की कहानी का चित्रपट है कांकेर में। हर उलझन को मोनिका अपने मिजाज से बस गुनगुना कर मात दे जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना। तो आगे से बचपन से डांस करती थी, लेकिन पंडवानी और डांस बहुत अलग हो जाता है। महाभारत की पूरा कथा है, उसको छत्तीसगढ़ में बताना अभिनय के साथ, गीत के साथ। पंडवानी सातवीं क्लास पे पहली बार 26 जनवरी, सारे सर लोग, मैडम, मेरे पूरे स्टूडेंट, मतलब जो मेरे साथ पढ़ते, सारे लोग देख के एकदम चकित रह गए, पंडवानी गा रही है। सब सरप्राइज हो गए थे, हाँ गा सकती है। पापा भी बहुत खुश हुए थे उस दिन, सर मेरी बेटी कुछ कर रही है। जैसे कि हम लोग कहीं कार्यक्रम देने गए हैं, गांव में जाएंगे, बुलाए रहेंगे नवरात्रि ऐसे टाइम में, तो बोलते हैं बेटा तुम 5 घंटा गाओ, तो 5 घंटा। जैसे हम लोग 3 जने जाएंगे तो मैं 2 घंटा गाऊंगी, उन लोगों के 1 घंटा गाएंगे ऐसे। इतनी 2 घंटे लगातार? हाँ 2 घंटे लगातार गा ले। कहाँ कहाँ तुमने परफॉर्म किया है? छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारी जगह पे, मतलब ऐसा कोई ऊपर जो जिले है ना वहीं पे नहीं दिए, बाकी सब जैसे दंतेवाड़ा पूरा नक्सलाइट एरिया है वहाँ पे भी जाके दिए, जगदलपुर, कांके, रायपुर, धमतरी, दूर, कोरबा। ये एक समय के बातें का काम। अर्जुन हर कंदमूल फल लखा के अरे घोर तपस्या करे बर वन में चल दिस, और एक गोला उठा के मार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कह के तपस्या करेला शुरू कर दिस, और अतिक जोर से तपस्या करे कि पूरा कैलाश पर्वत डगमग डगमग डोले लागे। अब ये डगमग डगमग डोले ले देख के माता पार्वती कहे अरे ये भोला ये भोला। तब भोलेनाथ कहे कका अरे का हो गे तोला, वो तो कुंती के लाल आएगा अर्जुन ओ का नाम है भाई, धर्म राजे करे भाई ये भैया। एक तो इंसान गाना सीखता है या फिर डांस चूज करता है, तो उसमें पंडवानी ऐसी विधा है जिसमें हम गा भी सकते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं, और अपने फेस के एक्सप्रेशन से लोगों को रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं। पंडवानी को फ्यूचर में तुम कहाँ पहुँचाना चाहती हो? मेरा सपना है कि मैं बहुत बड़ी पंडवानी गायिका बनूं, सक्सेस हो जाऊं, बोले हाँ कि मोनिका साहू है। पंडवानी ऐसी चीज़ है जो पूरा लुप्त होते जा रहा है, जैसे तीजन बाई कर रही है देश विदेश जाके, बस सोच वही है कि हम भी देश विदेश जाएं, उसको बचाएं, अपनी संस्कृति को उसका रक्षण करें। तो तीजन बाई से मिलने के लिए कितना तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है? बहुत, जैसे कि हम उनको गुरु मानते हैं, उनसे ही सीखे, मतलब उनका कैसेट देखते हैं तो लगता है हाँ कब मिले, जैसे मिल जाए ना तो उस दिन शायद बहुत अच्छा दिन होगा हमारे लिए। और
अगर मौका कभी मिलता है कि तुम्हें उनके साथ रह के सीखने का मौका मिले तब? तब तो एक पर खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल सीखना चाहेंगे उनके साथ। जैसे वो अभिनय करती है ना, हमें बहुत अच्छा लगा, हम कोशिश करते हैं उतना करने का, इसलिए अगर वो सिखाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उनसे सीखें, हम खुद ब खुद हमको सिखाएंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों कभी सोचा है आपने जिन्हें कभी नहीं देखा सिर्फ सुना हो, आप जीवन का उन्हें आदर्श मानते हो और सोचते हो कि काश किसी दिन वो मिल जाए और एक दिन अचानक मौका मिले कि वो वाकई मिल जाए तो क्या हो? मोनिका के साथ बदलेंगे किरदार, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश में।